आज हम रशिया की 223 जो वुड में आती है उसके बारे में रिव्यू करेंगे। अच्छा, पहले इस की बैरल लेंथ के बारे में बात करेंगे। एक तो ये तकरीबन 10.5 इंच की बैरल में आती है, यानी यूएस के M4 से 20 की बैरल कम होती है। इससे आप हर किस्म के कारतूस चला सकते हैं, 223 के, 5.5, 6 के, नेटो की एमोनिशन, सारी चीज़ें आप इससे चला सकते हैं। और ये आती भी वुड में है जो बिल्कुल बहुत ही स्पेशल होती है, और बहुत ही कम ये राइफलें आई हुई हैं प्लास्टिक में, ज़्यादातर ये प्लास्टिक में आई हुई है। इसकी वुड की आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी है। इसको आप साइड फोल्ड भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल किरण कोफ के साइड फोल्ड की तरह है। इससे इसकी ओवरऑल लेंथ बहुत कम हो जाती है। ये इसका तरीका है फिर से इसका साइड फोल्ड खोलने का। इसमें एक और फंक्शन आता है, जब ये साइड फोल्ड हो तो इसकी सेफ्टी, यानी इसका सेफ नहीं खोल सकते आप, तो वो किसी भी गन स्मिथ के पास जाके वो इसे हटाया जा सकता है। फिर इसकी अगर ये फोल्ड हो या ना फोल्ड हो तो दोनों तरह से ये भी काम कर सकती है। अब इसकी बात करते हैं कैपेसिटी की। इसके साथ 30 की कैपेसिटी की एक मैगजीन आती है, 30 की कैपेसिटी उस मैगजीन की होती है। और ये गन जो है ये मैं ख़ुद भी 2013 से यूज़ कर रहा हूँ। कीमत में भी ये मुनासिब है, पहले तो ये बहुत ज़्यादा महंगी हुई थी, अभी ये तकरीबन ही 4 तक मिल जाती है पाकिस्तान में। लाइसेंस इसके लिए ज़रूरी होता है 223 का। प्लास्टिक के साथ इसकी पहचान, यानी कि बहुत से लोग ये प्लास्टिक में भी प्लास्टिक को कन्वर्ट करते हैं वुडन में, देसी वुड ख़रीद के दरादम खेल से, और ये इसका स्केलेटन बर्ड जो होता है वो चेंज करके इसको फिर वुडन बना लेते हैं। मगर इसकी पहचान ये है कि प्लास्टिक पे ये नहीं लिखा होता, MK01, ये इसकी पहचान है। उस पर MK03 या 04 या 05 जो भी हो सकता है, मगर 1 नहीं हो सकता। 1 सिर्फ वुडन पे आता है। प्लास्टिक के साथ मैगजीन 2 होती है, इसके साथ 1 मैगजीन आती है। बाकी हैंडलिंग इसकी बिल्कुल सेम एज AK हैंडलिंग, AK की तरह आप इसको हैंडल कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक में ये आती है। वो तकरीबन ये जो मेरे पास अपनी राइफल है अप टू 1000 राउंड में उससे चला चुका हूँ, मगर अभी तक उसमें सिंगल एक भी मैलफंक्शन मैंने उसमें नोट नहीं किया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।